तो भाई वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं, मनोज भाई और मैं, और हमारे साथ है एक मुकुल आज, जिसका होने वाला है डेब्यू मैच हमारी टीम के अंदर। तो भाई आज होने वाली है लड़ाई, आज होगा घमासान। मनोज किसकी, भाई किसकी लड़ाई है भाई? अभी थोड़ी बता दूंगा। अच्छा, वीडियो पूरा देखो यार, अभी पता लगा किसकी लड़ाई हुई आज, और पक्का लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हमें पता है हमारे सामने वाली टीम के अंदर दो चार जो एनडी आ रहे हैं ना मनोज भाई, भाई उड़ा देंगे आज, उड़ा देंगे पक्की बात। आज ये बॉल डालेगा भाई, कितने 140 की स्पीड से मत डालियो, 105 की स्पीड से डाल दे तू आज ना बॉल, डंडे में मारे डंडे में। मजाक से हटके भाई, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है, वैसे लेदर बॉल से आज तक नहीं खेला, पहला मैच है इसका भाई। टेनिस टेनिस बॉल में भाई वो लाल वाली आती है ना, लाल वाली बॉल, भारी वाली नाइट वाली भाई, वो जितने भाई यूपी से हैं खासतौर पे मेरठ साइड से, अब मेरठ बागपत उस साइड वाले बंदे जाते हैं उसी बॉल से खेलते हैं भाई, बड़ी हैवी बॉल होती है, और लेदर उस बॉल से बॉल डालने के बाद लेदर बॉल से बॉल डालने में तो भाई बहुत मजा आने वाला। देखते हैं भाई का डेब्यू कैसा रहेगा, और आप भी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे एक दोस्त की जिसका नाम है दुष्यंत उर्फ बल्लू भाई। हमेशा लेट करते हैं यार, हमेशा लेट करते हैं, आप लोग देखते हो गए, हमेशा हम उसका वेट करते हैं, वो आता नहीं है, उसको फोन करेंगे तो अभी बोलेगा अभी आ गया ना अभी भाई यार हमेशा यार। लेकिन भाई वीडियो देखो आज ना, मजाक नहीं यार, आज ना घमासान होने वाला है, घमासान। और अभी हमारे हिमांशु भाई का फोन आने वाला है, अभी वो हमें गालियां देंगे, कम से कम ढाई 300 एक बार में देते हैं यार वो। कोई नहीं, आदत है वो उनकी भाई, हमें आदत पड़ गई यार भाई की गाली खाने की ना, आदत पड़ गई। आप लोगों को भी ना ऐसी गाली खाने की किसी ना किसी की आदत तो होगी, या तो पापा देते होंगे या दोस्त देते होंगे, जो बड़ा भाई है छोटा भाई देता होगा। तो मनोज भाई आज के मैच के बारे में बता दो यार भाइयों की, आज हमारा मैच कहाँ पर है, कौन से ग्राउंड पर है आज का मैच, और कौन से टूर्नामेंट का मैच है भाई? हमारा टूर्नामेंट पता है आपको, 3 मैच जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट के, चौथा मैच है आज लीग का हमारा, और कोई नया ग्राउंड है आज जिसमें पहली बार खेलेंगे आज। उस ग्राउंड का अभी तक मैं कभी खेला नहीं हूँ, तो पता नहीं है विकेट कैसी है, उसका ग्राउंड कैसा है, ये तो हमें वहां जाके पता लगेगा। बट धूप बहुत तेज हो रही है, कोशिश करेंगे टॉस जीत के पहले बैटिंग ले लें, क्योंकि फील्डिंग इतनी धूप में करना बड़ा बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि पहले बैटिंग ले लेंगे तो अभी बाद में फील्डिंग आएगी भाई, अंडर द लाइट आराम से भाई फील्डिंग करेंगे, मजा आएगा भाई, मतलब भाई फिर ना थोड़ा सा काले भी नहीं होंगे यार। देखो पहले ही भुन गए भाई हम, खेल के भाई, आज का टेम्परेचर कैसा है भाई, शक्ल देख लो भाई, आज का टेम्परेचर बताओ यार मनोज भाई। भाई 40 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, और बहुत तेज धूप हो रही है, कसम से बहुत तेज, और ऊपर से हवा भी नहीं चल रही, सच में भाई। अभी ना आपको दिखाता हूँ, बाहर का दिखाता हूँ कितनी तेज धूप है, देखो यार सामने देखो सूरज कैसे गाड़ी में एकदम पड़ रहा है भाई, बहुत गर्मी है भाई बहुत ज्यादा। और अभी हम लोग खड़े हुए हैं महिपालपुर उस बल्लू भाई का वेट करने के लिए। अब मनोज भाई अपना टैटू दिखाओ यार आज भाई, कितना टैटू बन रहा है यार आपके हाथ पे ना? 9-10 टैटू है, और सबसे अच्छा टैटू मेरा ये वाला है, ये आंटी जी का टैटू है भाई, ये तो मम्मी है आपकी, हाँ ये माता जी का टैटू बनवा रखा है मनोज भाई ने अपने आर्म्स पे, ये हमेशा मनोज भाई के साथ रहने वाला है टैटू यार। ये एक टैटू यहाँ भी है, ये वाला, ये देखिए मोम डैड फॉरएवर, मनोज भाई बहुत सारे टैटू बनवा रखे हैं, ये लो मोटिवेशनल, पीपल विल कॉल यू क्रेजी अंटिल यू अचीव द इम्पॉसिबल। तो भाई मनोज भाई एक दो टैटू यार हम भी बनवाएंगे, जब पता कब बनाऊंगा टैटू, जब हमारे 50 के हो जाएंगे ना भाई, कंप्लीट हो जाएंगे ना हमारे सब्सक्राइबर, अभी हमारे 33.5 है समथिंग, 50 के होते भाई एक भाई टैटू बनवाना पक्का, बिल्कुल पक्का बनवाना मनोज, अच्छा छोटा सा बनवाऊं पक्का बनवाना, मेरा भी थोड़ा मन है यार टैटू बनवाने का, अब देखते हैं डिसाइड करते हैं, या तो बनेगा यहाँ पर बाइसेप पे बनवाएंगे यहाँ पर, तो बढ़िया लगेगा मनोज भाई। चलो अभी हम बल्लू भाई के आने के बाद बस बल्लू का वेट कर रहे हैं, उसको आते ही हम सीधा भाइयों आपसे मिलेंगे ग्राउंड पे। चलो भाई चलो। हाँ जी भाइयों ग्राउंड हम पहुंच चुके हैं, और पहली बार इस ग्राउंड में हम मैच खेल रहे हैं, ग्राउंड तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ सबसे पहले, देखो आउटफील्ड देखो भाई लोगो, ये देखो आउटफील्ड देखो ग्राउंड की भाई, इंटरनेशनल ग्राउंड से कम नहीं लग रही इसकी आउटफील्ड, को बोलूंगा यही मैच कराया कर यार, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है यार, मजा आ गया। मनोज भाई बताएंगे विकेट के बारे में, मनोज भाई विकेट बताइए कैसा लग रहा है यार देखने में? भाई विकेट तो एकदम बढ़िया लग रहा है, बैटिंग विकेट लग रहा है, दिखाते हैं एक बार विकेट, अच्छा रोल हुआ हुआ विकेट लग रहा है, अच्छा हार्ड विकेट है, मजा आएगा बैटिंग में, रन बनेंगे 250 आज भी मुझे लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग, और क्या भाई तभी तो 250 बनेंगे पहले बैटिंग करेंगे तो, नहीं तो आपको हमारे बॉलर्स पर भरोसा है वैसे?
बॉलर तो हमारे पास पूरे यार 6-7 बॉलर है। उसके बाद भी हम 200 खा रहे हैं यार, लेकिन लास्ट दो मैच में हम जल्दी आउट कर रहे हैं। टी ट्वेंटी में यार ऐसे ही होता है, आईपीएल में देख रहे हो आप कैसे पिटाई हो रही है ना, ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिन नहीं डाल रहे हैं, कैरम बॉल डाल रहे हैं सारी आईपीएल में। बात तो सही कह रहे हो मनोज भाई। यार कप्तान साहब आज आ यार, आज प्लेयर्स के लिए कुछ रख दो यार, मतलब आज अगर कोई 3 विकेट ले या अगर कोई 50 करे। करते हैं काम करते हैं जी, तुम दोनों गिव अवे करते रहते हो, मैंने देखा तुम्हारी। हाँ जी है ना जी भैया, आज मैं गिव अवे करता हूँ। ठीक है, जो अपनी टीम से 100 रन बनाएगा, मनोज भाई को हटा देते हैं, हर बार बना देते हैं क्योंकि जी, तो चलो मनोज भाई को भी ले लेते हैं। जो अपनी टीम से 100 रन बनाएगा आज इस मैच में, इस मैच में उसको 1000 रुपए। भाई मनोज भाई अगर आज 100 बनाते हैं या फिर मैं बनाता हूँ या अरविंद बनाता है तो आज हमें मिलने वाले हैं भैया। आगे तो सुन ले भाई, अरे यार हद हो गया, इनाम की कमी है क्या? कोई 50 बनाता है हाँ जी तो उसको 500 रुपए भाई। अरे अभी नहीं सुन रहा यार, पूरी तो सुन ले यार, हद हो गया। जो 3 विकेट आउट करता है, लेता नहीं है आउट कर देता है उसको 500, और कोई पंजा खोल दे जिसमें अरविंद बाहर है उसको 1000 रुपए। 3 कैच पे भी हम देंगे 500 रुपए। और बोलो क्या बात है भाई, ऐसी टीम नहीं मिलेगी भाई, ऐसी टीम नहीं मिलने वाली, क्या बात है। टीम तो मिल जाएगी, ऐसा कप्तान नहीं मिलने वाला भाई। ये बात तो सही कह रहे हो भाई, कप्तान नहीं मिलने वाला। कप्तान ने हमारे लिए रखा, अगर कप्तान ऐसा करता है तो हम लोग देंगे सब, पूरी टीम मिलकर, पूरी टीम मिलकर इनको। भैया रिकॉर्डिंग हो गई है, ये सारे अगर हिमांशु भैया हमारे कप्तान भी अगर 3 विकेट लेते हैं तो उनको भी हमारी टीम की तरफ से 500 विकेट आउट कर भाई। 3 विकेट ले लेना आज आप भी ना, आउट कर दूंगा। चलो आउट कर देना यार, विकेट आप ले लेना तो भाई अब मिलते हैं आपसे सीधा टॉस पर। देखिए अब हो गई बक बहुत, इधर मिलेंगे भाई सर टॉस पर। और भाइयों आज मैं गोप्रो कैमरा लगाता हूँ, आपको पता ही है, आज उसकी जितनी भी वीडियोस होगी वो भी मैं अपने व्लॉग में डालूंगा मैच के, जैसे शॉर्ट हमने फोन से हम वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी गोप्रो की वीडियो भी डालेंगे। दोनों एंगल्स में आपको ना वीडियो देखने को मिलेगी। हाँ। आज ना दोनों एंगल्स में अगर कोई शॉर्ट लगा तो आपको गोप्रो वाला भी दिखेगा, और जो हमारा बाहर कैमरा लगा होता है उस वाले एंगल से भी आपको शॉर्ट देखने को मिलेंगे। तो भाई आज का व्लॉग जो है भाई एक नंबर होने वाला भाई, एंड तक जरूर देखना है, बहुत एक्साइटिंग होगा आज का व्लॉग। भाई टॉस हो रहा है, टॉस हो रहा है, टॉस हो रहा है, टॉस पे आइए भाई। यार फिर से भाई तीसरी बार टॉस हार गए यार, लेकिन मनोज भाई कोई बात नहीं, टॉस से क्या होता है, लगातार 3 मैच भी जीते भाई लगातार हम ना। बट यार हम सोच रहे थे कि आज टॉस जीत के पहले बैटिंग ले लें, और कई मैचों से ना हमारी टीम के जो बैट्समैन है नीचे की उनकी बैटिंग नहीं आ रही है, बट कोई नहीं, अब यार टॉस पे किसी का हाथ नहीं है, कोई भी जीत सकता है, बट मेन है कि हमें आज मैच जीतना है, हमारा चौथा लीग मैच है तो कोशिश करेंगे हम मैच जीते। तो मिलते भाई। नो नो
So guys, first inning हो गई है खत्म, हमारी आ गई है बैटिंग। अब हमको चेस करना है मनोज भाई 137 हम लोगों को चेस करना है 20 ओवरों में। अगर हम लोग ये चेस कर दे तो हम लोग जीत जाएंगे इस टूर्नामेंट का चौथा मैच लगातार और हम टॉप पे एकदम टेबल पे एकदम टॉप ऑफ द टेबल टॉप ऑफ द टेबल हम लोग आने वाले हैं। और एवी भाई ने कितने विकेट लिए? अच्छा बॉल डाला है, सिर्फ एक ओवर में दो विकेट ली, बहुत अच्छी बॉल डाली। और ये रे तन्नू, इसने भाई आज हाथ का इतना हाथ का छोड़ा ना बक नहीं। हाँ। भाई लोग देख रहे हैं भाई क्या हो गया था भाई, बता बेटा बता। कर रहा था लाइट का, बहुत हल्का था ना तो कैजुअल सा बोलता वो कैजुअल सा भी छोड़िए। चलो कोई बात नहीं, तो होता रहता, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन बेटा काम करो। सो गाइस अब देखते हैं, जाने वाला हूँ बैटिंग पे वन डाउन, कोशिश करूंगा जल्दी से खत्म कर दूं मैच को फटाफट। सेकंड डाउन मैं हूं अगर बैटिंग आती है तो, अदरवाइज अगर नहीं आई तो देखते हैं भाई लोग यही खत्म कर दे। मिलते हैं आपसे सीधा बैटिंग पर, गुड बाय। या तो मैं खुद चलाता हूँ, मुझे पता है 40-50 से चलाता ही ध्रुपिया। अरे धीरे भाग रहे थे बोल। स्विंग तो हो रहा है, हाँ मैं कोशिश करूँ सामने। ये हुआ थोड़ा सा मिडल, हाँ मार तो सामने ही रहा था बट वो ये शॉट है और ये आउट। मनोज भाई आउट हो गए हैं। शॉट है राजीव भाई, राजीव भाई जितनी पेशेंस अपने में है नहीं, बेंच पर डिफेंस भी कर लेंगे। ये बढ़िया रन लगे ना ना बैट यार, कुछ शॉट कर अभी अभी ना चुपचाप मुक्त से तीन चार नंबर लगे। शॉट है यार राजीव भाई, गुड शॉट। अरे बेटे चक्का चक्का गॉड है यार, शिखर भाई आज तो शिखर भी खत्म कर क्या रहा रूम मिला इस बार कौन है तो मुझे जाना था।
अरे हम खुश है, तू आउट हुआ है, आजा यार खुशी है। ओ भाई साहब वेल प्ले यार भैया, वेल प्ले एड भैया, थैंक यू भैया, एड भैया, एड यार राजू भाई, एड भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, अल्बर्ट भैया, मनोज भाई लगातार हमारी हो गई 4 जीत इस टूर्नामेंट के अंदर। और आज की जो परफॉर्मेंस हम बताते हैं किस किसने आज क्या क्या किया। पहले बैटिंग करी भाई दूसरी टीम ने, उन्होंने बनाए थे 135, ऑल आउट हो गए थे भाई 18 ओवर में। उसके बाद हमारी बैटिंग आई, हमारी ओपनिंग पे गए राजीव भैया और ध्रुव भैया, ध्रुव भाई थोड़ा एक रन पे आउट हो गए, रन आउट हो गए थे। उसके बाद गए मनोज भाई, आज मनोज भाई भी अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, आज 9 रन पे ही। उसके बाद गया था मैं बैटिंग पे, मैं और राजीव भैया ने, हमारी पार्टनर जी बहुत बढ़िया रही, मैंने बनाया 32 बोलों में 40 रन और राजीव भाई ने बनाया 40 बोलों में 60 रन। तो मैच ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया था, कुछ लगभग 12 रन पहले मैं आउट हो गया था। उसके बाद पंकज भाई गए, पंकज भाई ने बनाया 6 बोलों में 8 रन और इसके साथ हम लोग लगातार चौथा मैच भी जीत गए। तो भाई हम बता रहे थे ना लड़ाई होगी, देखा ये लड़ाई होगी, देखा ना, हमने कहा भाई दूसरी टीम को हराना ये लड़ाई है, भाई मैच खेलना ही एक लड़ाई है, क्यों ग्राउंड में तो भाई दूसरे के सब हम दुश्मन है ना यार, देखो दूसरी टीम से हो रही थी धूप से फील्डिंग करते भाई, 42 डिग्री टेम्परेचर था आज का, लेकिन भाई क्रिकेट का कीड़ा भाई मैं क्या, खेलना ही पड़ेगा भाई, खेलना तो पड़ेगा, क्रिकेट खेलना तो भाई धूप में खेलना ही पड़ेगा, लेकिन भाई फिर भी भाई क्रिकेट खेल के जो सुकून मिलता है ना, वो क्रिकेट मजा जानते हैं भाई, जानते क्रिकेट से यार वो किसी और चीज में नहीं आता, सच में नहीं आता भाई। और भाई शिखर ने आज बहुत अच्छी बैटिंग करी, दोबारा दूसरा लगातार मैच है जो शिखर ने अच्छी बैटिंग करी है, लग रहा है इसको ये नंबर सूट हो गया सेकंड डाउन। और लास्ट टाइम तो जैसे कि थैंक यू भैया, थैंक यू मनोज भाई ने लास्ट टाइम बहुत बोल के खेला था, सीधे बैट से खेलना, और वही कोशिश मेरी आज भी रही, ज्यादातर मैंने सामने के ही शॉट मारे, सामने ही रन बनाए मैंने ज्यादातर, वही वी में खेलने वाला क्रिकेटर्स का एक फंडा। मनोज भाई थैंक यू यार, आपने मनोज भाई मेरे को भी सिखाते रहते हैं, देखो जैसे आप सभी के लिए हम लोग वीडियो लेके आते हैं सिखाने के लिए, ऐसे मनोज भाई हमको भी सिखाते हैं, हम भी भाई ज्ञान मिलता है ले लो बटोर लो, सही बात है भाई, जहाँ से चाहे छोटा हो बड़ा हो जो अच्छी बात क्या है उसे रख लो, उसे रख लो बस। चलो तो वक्त है ये वाली वीडियो को यहीं खत्म करने का, आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर दबा दे भाइयों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बैठे केशव बखैर।